हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट की कटिंग करके बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, जैसे इसकी विथ है उसके हिसाब से इसको डबल फोल्ड करना है। अब जो स्कर्ट की जो लंबाई है या लहंगे की जो लंबाई है वो है 38 इंच, तो मैं यहाँ पर 40 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी में से हम लहंगे की पट्टी है जो नीचे वाली वो फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर 40 इंच लेंगे और ऊपर 1.5 इंच बेल्ट आएगा हमारा। इस तरह से 40 इंच लेते हुए और कपड़े को इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करना है। 3 पल्लों का जो मैं यहाँ पर लहंगा बनाऊंगी, एक बार हमने फोल्ड कर लिया है 40 इंच पर और इसको एक बार वापस से ऐसे करते हुए नीचे की ओर फोल्ड करना है। इस तरह से हम 3 पल्ले एक साथ ही निकाल पाएंगे। देखिए, मैं आपको इस तरह से उल्टा करके बता देती हूँ। चालीस इंच पर कपड़े को बिछा लिया है, अब यहां से अलग कर देंगे एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हमारे पास। इस तरफ से भी अलग कर देना है। यहां से भी ये जो जुड़ा हुआ है इसको अलग करना है। ये 3 पल्ले हमने निकाल लिए। आप चाहो तो 4 पल्लों का भी लहंगा बना सकते हो, उसके लिए आपको 1 मीटर और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। अभी जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे या फिर चेन, कुछ भी बोल सकते हैं। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमें 6 इंच पर निकालनी है। आप इस स्कर्ट को किसी भी क्रॉप टॉप या कुर्ती के साथ स्टाइल करके पहन सकते हैं, जो कि इंडो वेस्टर्न लुक देगा। इस बेल्ट को हमने अपने कमर के हिसाब से कर लेना है। ये मैंने कर लिया है। अब हमें इस कपड़े की डिजाइन को देखना है कि उसकी डिजाइन किस तरफ है। ये जो मेरे पास ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर ये जो पत्तियां सी बनी हुई है इनका मैं डिजाइन देख रही हूँ, तो इनको एक तरफ ही रखना है। ऐसा ना हो कि एक पल्ले में हमें डिजाइन उल्टी रख दी और एक में दूसरी तरफ, तो इससे अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, मैं इनको इस तरफ से रख रही हूँ। इनकी जो डिजाइन है एक तरफ होनी चाहिए सारी। अब इस एक पल्ले को दूसरे पल्ले पर इस तरह से रखना है, जो दोनों सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहे और यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरा वाला पल्ला भी हमें इसके साथ सिलाई करके जोड़ लेना है। ये तीसरा वाला भी मैं इसके साथ जोड़ रही हूँ। वो भी इसको भी हमने ऐसे डिजाइन को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में जोड़ना है। ये तीनों साथ में जोड़ लिए। अब ये जो
डिज़ाइन है वो इसको मैं इस तरफ से ऊपर की तरफ रखूँगी और इसमें हम बेल्ट ऐड करेंगे। अब पहले इस बेल्ट को फोल्ड कर लेते हैं दोनों तरफ से। अब इसको एक बार साइड में रख देना है। अब ये लहंगा लेना है हमें और इसको एकदम गोल करना है, जो साइड में खुली साइड है इसको भी बंद कर देना है। इस तरह से दोनों को, दोनों खुले सिरों को मिलाते हुए और इसको बंद कर देना है। इस तरह बराबर मिलाते हुए ये ऊपर की तरफ हमें पूरी सिलाई ने लगानी है, थोड़ी दूर में छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर हमारी जिप आएगी। जितनी जिप की लंबाई है उतना हमें सिलाई ने लगानी है वहां पर। तो चलिए अब जिप लगा देते हैं यहाँ पर। इसको इस तरह से खोलना है और कपड़े के ऊपर उल्टा रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से उल्टा रखना है इसको, जब इसको सीधी करे तो बाहर की तरफ सीधी आए। आराम से लगानी है, कहीं ऐसा ना हो कि जिप के ऊपर सिलाई लग जाए। जिप के पास ये जो कपड़ा है वहां पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक तरफ लगानी है पहले, ये देखिए इस तरह से लगेगी। अभी जो दूसरा वाला सिरा है इसका, इसको भी इस तरह से उल्टा करते हुए और इसके पास पास में सिलाई लगानी है। आराम से लगाइएगा, सुई चेन के ऊपर ना आ जाए। अब इसके ऊपर भी हमें सीधा करते हुए एक बार और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से बहुत आसानी से जिप लगा पाएंगे किसी भी लहंगे में। इस कपड़े को हमें इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाना है छोटा सा, और इस कट को और साइड में जो हमने सिलाई लगाई थी उसको मिलाते हुए एक सेंटर बनाना है और वहाँ पर एक और कट लगाना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको चीन में भी इसी तरह करना है वो करके बता देती हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो। इसे डबल करना है और एकदम सेंटर में कट लगाना है, और अब इस कट को और साइड को मिलाते हुए बीच में एक और कट लगाना है। अब इस चीन को और लहंगे को रखना है, और जब हमने लहंगे पर और बेल्ट पर कट लगाए थे उन दोनों को मिलाना है, और ये जो बीच में कपड़ा बचता है हमारा इसके अंदर हम प्लेट्स डालेंगे यानी कि बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और अंदर की तरफ डालना है कुछ इस तरीके से। अब एक और ऐसे ही करना है प्लेट, इसको इसके सामने की तरफ भर देना है। जैसे हम लहंगे में प्लेट डालते हैं इनको ऑपोजिट साइड में रखना है एक दूसरे के,
जितना हमें बॉक्स बनाना है, ये देखिए इस तरह से बॉक्स बनेगा, उतना चौड़ाई पर हमें फोल्ड करना है कपड़े को आगे। अब इस कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए इसके सामने की ओर लाना है। इस तरीके से बॉक्स बनेंगे हमारे। बॉक्स की जो चौड़ाई है वो बराबर रखनी है, छोटे बड़े नहीं करने हैं। इसे पकड़ते हुए अंदर डालना है कपड़े को। और अब देखिए जो हमने कट लगाए थे वो बराबर आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम कट से कट मिलाते हुए प्लेट्स डालेंगे या बॉक्स बनाएंगे तो बराबर बॉक्स बनेंगे, वरना कहीं कपड़ा ज़्यादा और कहीं कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से बॉक्स बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। आमने सामने करते हुए बॉक्स बनाने हैं हमें। इसी तरह सारे बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बराबर साइज में होने चाहिए। इस तरह से एंड में भी बराबर बॉक्स आएगा हमारे स्कर्ट में। अब इस चीन को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। जो चीन लगा रही हूँ वो 1.5 इंच चौड़ी रखी है मैंने। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छी फिनिशिंग के साथ लगाना है। एक और सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर, अच्छी फिनिशिंग होगी इससे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉक्स बना है इसमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी करेंगे इसमें, तो उसके लिए हम ये कैनवास यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा भी हार्ड कैनवास हमें यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। अब जितनी चौड़ी आपको लगानी होती है हमें कैनवास को कट कर लेना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगा रही हूँ। 2.5 इंच पर कैनवास को कट करेंगे। जितना हमारे लहंगे में घेर है उतना हमें कैनवास कट करना है। अब इन कैनवास को जोड़ना है इसके अब एक के ऊपर एक रखते हुए। इस लहंगे में जो पट्टी है वो मैं अलग से नहीं लगा रही हूँ, इसी में से फोल्ड कर रही हूँ और कैनवास भी इसी में ही अटैच करूँगी। जितनी हमें लंबाई है लहंगे की उतने पर हमें निशान लगा लेना है और वहाँ पर इस कैनवास को इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो अलग से भी पट्टी लगा सकते हो। इस तरह बराबर कपड़ा रखते हुए ऊपर नीचे नहीं लगाना है। इस तरह से लगाएंगे तो अलग पट्टी लगाने में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा हमारा, जल्दी भी लग जाएगी, अलग से कपड़ा भी नहीं लगेगा। ये जो कपड़ा है यहाँ पर बराबर रखना है। इस तरह से कैनवास के एक साइड सिलाई लगाते हुए अच्छे से इसको अच्छा सिक्योर करना है। एक्स्ट्रा कैनवास से इसको काट लेंगे। कैनवास की एक साइड तो सिलाई लगा दी है, अब हमें इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ कैनवास के ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए। आप चाहो तो इससे पट्टी को एक बार में ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ ताकि कैनवास अच्छे से सिक्योर हो जाए, ऊपर नीचे ना हो। फिर इस तरीके से कुछ मोटी सिलाई लगा लीजिए। आप चाहो
तो बिना कैनवास में पट्टी बना सकते हो, लेकिन पट्टी से अच्छा लुक आएगा लहंगे पर। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ध्यान रखिएगा कैनवास मुड़ना नहीं चाहिए। एकदम साइड में सिलाई लगानी है। ये पूरी पट्टी मैंने कर ली है। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा लहंगा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत से वीडियो के लिंक मिल जाएंगे उसमें।